जब से हमको पता चला प्रभास की स्पीड फिल्म में कोरियन एक्टर डॉनली विलन का रोल प्ले करने वाले हैं, तो डॉनली कौन है उसके बारे में एक्साइटेड हो गए कि उसकी कौन सी फिल्म ऐसा है जिसके लिए संदीप रेनिवांगा अपनी फिल्म में लेने के लिए मान गए। तो इसीलिए डॉनली की आज फिल्म देख आए द राउंड अप, जो कि 2022 में आई थी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म है। इस फिल्म में जो एक्शन है उतना गोलाबारी बंदूक नहीं है, डॉनली का एक पंच काफ़ी है किसी भी गुंडा को मारने के लिए। उसका शरीर जिस तरह से फिल्म में और जिस तरह से उसका कैरेक्टर को यूज किया गया फिल्म में, अपने दम से पूरा फाड़ देते हैं हर एक गुंडा को। अपना हाथ का पावर उसका इतना ज़बरदस्त है ना, जिस भी गुंडा को मार देता है वह अपना उठ के पानी नहीं पी पाता, इस तरह का मारता है। जो भी गुंडा जितना भी बंदूक तलवारबाजी जो भी लेकर आता अपने अकेले दम पर हिला के रख देता है, वह जहाँ भी जाता है तो जीत के ही आता है। पूरा उसका कैरेक्टर को पावरफुल दिखाया गया राउंड अप मूवी में। और इस फिल्म की पूरी कहानी ड्रग्स पर आधारित है, जो कि फिल्म में जो डॉनली का जो कैरेक्टर है वो एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि ड्रग्स की धंधा जो भी करता है उसको पकड़ के लाता है। वो किसी के भी धंधे में कूद जाता है, जो कि अपने पकड़ने के लिए वो किसी को नहीं सोचता कि सामने कोई है बड़ा से बड़ा। आपको वो फिल्म का कैरेक्टर और इतना डबिंग अच्छा हिंदी में, आपको देखने में पूरा मजा आएगा, आपको इन्वॉल्व करके रखेगा। और इस फिल्म का एक्शन सिर्फ हाथापाई वाला है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। फिल्म को एंजॉय कराएगा आपको और काफ़ी मजा दिलाएगा। वहीं पर डॉनली की यही द राउंड अप का दूसरा पार्ट आया 2023 में, द राउंड अप नो वे आउट, जो कि तीसरा पार्ट भी आया 2024 में, जो कि जिसका हिंदी डबिंग उपलब्ध नहीं था, इसीलिए दो ही पार्ट देखे। और तीसरा 2023 की फिल्म में तो और ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है, जहां आप अल्लू अर्जुन की वो पोस्टर जो आया था पुष्पा पाठों का तलवारबाजी वाला, वही विलन यूज करता है तलवार का, असली यूज तलवार का देखने को मिला इस फिल्म में। काफ़ी ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त वार करता है ना, मज़ा दिलाता है। और उसको जो डॉनली मारता है ना अपना पंच से, इतना ज़बरदस्त फाइटिंग चलता है दोनों के बीच में। और एक्शन तो इस फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त है। इस फिल्म में भी ड्रग्स का ही धंधा चलता है, डॉनली उसको बचाने के चक्कर में डॉनली ड्रग्स का धंधा को अपना कब्जा में लेने के लिए डॉनली पूरा कूद जाते हैं और पूरा एक्शन देखने को मिलता है। जहां तक इस फिल्म में एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है, और फिल्म का दोनों फिल्म का ना टाइम है मात्र 1 घंटा 45 मिनट का, जो कि आज की फिल्म 3 घंटा की रिलीज होती है, वहाँ इस फिल्म का टाइम है 1 घंटा 45 मिनट का। तो फास्ट फॉरवर्ड में फिल्म है, जो कि काफ़ी कभी बोरिंग नहीं करेगी। और कुछ कुछ डबिंग जो इतना ज़बरदस्त तरीका से किया कि को हंसाएगा भी। तो अब देखते हैं संदीप रेनिवांगा डॉनली को अपने फिल्म में लेते या नहीं। आपने अगर ये फिल्म देखना चाहते हैं तो जाके देख लीजिए। अगर डॉनली की और कोई फिल्म हम देखते हैं अच्छा लगा तो आपको बताएंगे, आपको रिव्यू करेंगे। आप तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।